What's up everyone, here Arjun is here with back again with new video. So everyone, kaise ka hai? गाड़ी में पूरा सामान भर चुके हैं हम लोग ने। मैं उसका वीडियो नहीं निकाला था बिकॉज थोड़ा सा ना रस टाइप सा हो रहा था और अभी तक नहाया नहीं हूँ। सो अभी नहाऊँगा थोड़ी देर के बाद और फिर चले जाएंगे। सो देखना आपको बाहर का देखना होगा क्या दुनिया में चालू है। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ मीन्स या ऑफकोर्स इट्स माई जॉब ओनली सो यू कैन वॉच स्टिल हैंड ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज इन दिस ब्लॉग। ओके एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो वी आर गोइंग समवेयर। हम लोग ने पूरा बैग भी पैक किया है। सो आपने टाइम लैप्स देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा मैंने बहुत सारे मेरे कपड़े लिए। दो बैग मेरे भाई का, एक है मेरा, एक है खुद का। और हम लोग कुछ 1:30 बजे निकलेंगे गांव के लिए निकलने वाले। सस्पेंस नहीं रहा अभी का, बट मैं कल वीडियो बनाने वाला था उसमें सस्पेंस बताने वाला था, बट अभी मैंने बोल दिया है। थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा होगा पंखे का बिकॉज ऊपर एसी चालू नहीं है, बंद हो गया है और अभी जाने का इसीलिए। तो अभी जस्ट फ्रेश हो चुका हूँ और अभी नहाया हूँ। सो के लिए बाल देख चुके हो आप, देख सकते हो आप लोग। एंड बड़े बाल को बहुत टाइम लगता है सूखने के लिए। सो अभी रेडी। सो थोड़ी ही देर में हम लोग निकलने वाले। मैं अभी फ्रेश होकर पूरा सेटअप कर लिया, कपड़े वगैरह पहन लिया मैंने। अभी जस्ट अभी थोड़ी ही देर में हम लोग निकल जाएंगे। फिलहाल तो अभी बारिश गिर रही है सो इसके लिए वेट कर रहे हैं और थोड़ा कुछ खा पी लेंगे फिर निकल जाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, अपडेट रहना और मैं भी अपडेट रहूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे क्योंकि मैं भी मोटिवेट होऊंगा अब से ही। सो कीप वॉचिंग। ओके आउट बेरा। सो वी आर लीविंग नाउ। हम लोग जा रहे हैं अभी, थोड़ी देर में निकल जाएंगे अभी। सो थोड़ा सा प्लानिंग कर। गाइस वी आर गोइंग जस्ट नाउ एंड फ्लैश लाइट है, लाइट सब चले ज़्यादा रात में निकले। अभी कुछ 12:30 बज रहे और अभी जस्ट निकले और आगे आगे देखते रहो। आपको मज़ेदार एकदम क्लिप्स दिखाते रहूँगा और क्या क्या करते हैं आपको। मीन्स बाहर जिसको जाने की मीन्स एकदम फुर्सत होती है तो आप कृपया करके मत जाइए। इस सामान फिलहाल तो गिर रहा है यहाँ पर। सो लेट मी एडजस्ट दिस थिंग्स। ओके सो वॉच इट। ओके प्लीज़। ये भी हमारी कार है, ये आप देख सकते हो। एंड वो भी हमारी जो जा रही है यहाँ पर वो भी हमारी है। सो वी आर प्लानिंग नाउ टू गो। ओके मॉर्निंग में कुत्ते बहुत ज़्यादा भूख रहे थे तो वो वहाँ पर आगे के कुत्ते बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सोचे ये क्लिप निकाल लेता हूँ कि ऐसे आ गया तो आप लोग एक्सीडेंट मत कर देना कुत्तों का क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, मन भी जाएगी उसमें भी तो ज्ञान ही है। सो कीप दैट इन माइंड। ओके दिस इज अवर एरिया, मावी लॉकडाउन है। हाँ
तो ये पूरा यहाँ से अपना स्टार्टिंग होता है पवे स्कूल से। हम लोग यहाँ पर मीन्स मेरे भाई वगैरह पहले पढ़ते थे, अभी कुछ अच्छा खासा हो गया। सो ओल्ड मेमोरीज ताज़ी हो रही थी इनकी। एंड सो अभी गणपति घाट विसर्जन आ जाएगा। सो लेकिन देखने में मीन्स रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, मीन्स आपको फील ही अलग होगा। जो आप आंखों से देखोगे ना वो कैमरे में बराबर कैप्चर नहीं होता किसी का भी, कितना भी महंगा कैप्चर रहने का ये रेंगो, कितना भी महंगा रहेंगे, लेकिन जो आंखों से दिखता है वो कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाता। सो गणपति घाट भी आ चुका और देखते रहो, इंजॉय करते रहो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अच्छा लगा कि या बुरा लगा, तो कोई बुरा लगा। इतने बारिश में इतना बाहर में कार में वगैरह घूमने कभी गांव में गया नहीं था, बट अच्छा भी लग रहा था। ये अपना आई टी की इधर का आई थिंक, नहीं मेरा नाम मेरी पवे का जो है। और देखो कितना बारिश जोर से आ रहा था यार, फिर उसके बाद आगे बारिश ही नहीं आ रहा था। तो कोइंसिडेंस मीन जिधर बादल रहे थे वहाँ से वहाँ पर ही बारिश आता। आपके साथ होता ही क्या ऐसा कभी? मेरे साथ तो दो दो तीन बार हो चुका है, एक हमारे इधर एरिया में और एक यहाँ पर अभी हो चुका है। कांचू मार्ग का हाईवे है जो ब्रिज है, बट वो बिल्डिंग को कब से देख रहे हैं हम लोग, मैं तो अभी कितना 20 साल का हो गया, 20 साल से देखते आ रहा हूँ, वो अभी तक बन रही है, चालू भी नहीं हुआ अभी तक। तो सोचो उसका कितना काम बचा है अभी तक। गाइज आपको लगता रहेगा कुछ ज़्यादा ही भाषण वगैरह दे रहा हूँ, तो ये गलत है। बिकॉज क्यों, मैं एक मोटिवेट कर रहा हूँ आपको। और ये देखो अभी जाऊँगे तो टोल नाके पर आपको पैसे दे देंगे आप, और सैनिटाइज़र लेके जाना, पैसे लोगे तो सैनिटाइज करना है तो उसको भी कर देना, आप भी करना, उसके बाद रिसिप्ट ले लेना, जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो रिसिप्ट ले लेना, नहीं तो फेंक दे देना। लेकिन सैनिटाइज़र वगैरह मास्क वगैरह तो ले लेना आपके लिए, ओके। यू आर जस्ट एंजॉइंग तेरे नाम मूवी। हाँ वो कौन सा था पता नहीं, अभी लग प्ले हो रहा था और मैं धुन थोड़ा सा ऐसे ही गा रहा था, क्योंकि बहुत ही क्लाइमेट भी अच्छा लग रहा था और मैं देख रहा था ना जब बाहर, तो मुझे बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग रहा था और बहुत ही मीन्स फीलिंग अलग ही हो रही थी, इसलिए मैंने एक क्लिप बनाया। सो फिर देखो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पुणे में। यहाँ पर एक पार्टस करके सिटी है, सो विलेज टाइप में सिटी है, यहाँ पर मेरी बहन रहती है, सो वी आर उससे मिल के जाएंगे हम लोग पूरे। अभी बहुत खुश हो चुकी है वो तो, सो इसलिए मिलने आ गए हैं। और अभी थोड़े देर रुकते हैं, उसको फ़ोन किया था, आ रही है अभी, सो वी विल चेक हिज रिएक्शन। एंड बोला कुछ उसको लेके आने के लिए खाने पीने के लिए, और बहुत भूख लगी क्योंकि रोड पर कुछ भी नहीं खाया क्योंकि डर भी लग रहा था कोरोना, सो इसीलिए ओके। सो मैंने क्यों कैप्चर किया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ड्राइंग की एक्सपीरियंस कहाँ है, लिटरली एकदम ब्लू एंड ब्लैक टाइप में, शेडेड टाइप में, एकदम मुझे एकदम भारी लग रहा था, इसलिए मैंने एक कैप्चर किया सीन और बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। सो आप लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप morning sex under the tree.
11:30 बजे पहुंच गए थे सुबह से, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया था अच्छे से। सो यह हमारा वाड़ा है, जो मराठी में वाड़ा बोलते हैं इसे, और देख लो प्रॉपर तरीके से एकदम मस्त है। हम लोग अभी इधर रहेंगे कुछ 10-15 दिन, फिर उसके बाद चले जाएंगे। अब पूरा 1.5 घंटा तो साफ सफाई कर रहे थे, अब भी जस्ट रेस्ट मिला है और बहुत वीकनेस हो रहा है, और खाना वगैरह खा लिया है बट अभी। सो मैं आपको अंदर का चेकआउट करता हूँ, और ये कार लेके आए थे हम लोग। चलो सब ठीक है, बट यहाँ पर सब कपड़े जूते वगैरह रख दिए, क्योंकि अभी रखने के लिए प्लेस ही नहीं है, तो हम लोग कल एक दो दिन अरेंज करने में जाएगा ही जाएगा। और अभी जस्ट नहाया तो वहाँ पर टॉवल सुखाने डाल दिए, और हम लोग ने मुंबई से कुछ भाजी वाली लगे थे वेजिटेबल्स, सो यहाँ पर कांदा ऑनियन ये सब लेके आए हैं, और मैं आपको घर चेकआउट करवाता हूँ। 3 बेडरूम 1 हॉल। सो ये इतना बड़ा हॉल है, ये इतना राशन लेके आए थे हम लोग मुंबई से, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत राशन लेके आए थे, और ये हमारा हॉल है। ये बहुत पुराना मीन्स बहुत सालों पुराना ये बेड है, बहुत सालों पुराना मेसिव है। हम लोग यहाँ पर सोते नहीं इस पर, बट जब भी हम लोग ने एक शोपीस के लिए रख दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, इसीलिए रख दिया। और हमारे दरवाजे देखो, बहुत साल पुराने, कम से कम इसको 30-40 साल हुआ रहेगा। और यहाँ पर हम लोग जब खेती करते थे, यहाँ का जब सामान है, यहाँ पर का जो खेती करने का सामान है सब, रस्सी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक का है, सिलेंडर है, और यहाँ पे कुंबड़ी इसके अंदर डालने का होता है इसमें, और ये है 3rd 1 है इसके अंदर। लेकिन मुझे जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि अंधेरा भी है और सब बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जाते नहीं वैसे तो कोई, बेड वगैरह है, डर लगता है कि सांप वगैरह ना आ जावे इसके अंदर, सो इसलिए नहीं जाता हूँ। सो लास्ट तीसरा जो ये है, सो मम्मी कुछ तो कर रही है फिलहाल, देखते हैं अभी, देख रही है क्या ले रही है, कुछ समझ में नहीं आता। टाइम पास इन लोगों से टाइम पास करना होता है। यहाँ पर ये हमारा लास्ट बेडरूम है, यहाँ पर सब बर्तन है, चांदी के पित्तल के बर्तन है सब, यू कैन वॉच इट, सो सीट। सो हम अभी टेरिस पर जाएंगे। सो हम लोग ने ये कुछ 5-6 साल हो गए थे यहाँ पर ये बाइक ला के रख दिया था, लेकिन कुछ काम का नहीं हुआ, ये बाइक किसी ने यूज़ नहीं किया, इतने गंद पूरा सड़ गया यहाँ पर बाइक, पूरा धूल मिट्टी से। अभी जस्ट हम लोग ने साफ़ किया, पूरे जाले वेले सब लग गए, देखो ना। सो 150 है पल्सर, सो यूज़ ही नहीं हुआ, क्या है ज़्यादा पैसे वालों के क्या है। सो अभी हम लोग टेरिस पर चल रहे हैं। हो
सामान रख दिया क्योंकि धूप में कोरोना के कीड़े वगैरह मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए रख दिया है। सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ गाइस, ओके। जब भी गांव में आता हूँ ना तो थोड़ा ना पानी इधर का बहुत ज़्यादा जाड़ा है, इस गाड़ा है वो, उससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फेस पर, इसलिए मैं गांव में नहीं आता हूँ। और इधर जल्दी से कुछ मिलता नहीं है, करुणा अर्जुन का गाँव है ये, बहुत किधर भी देखो सुमसाम सुमसाम। मिस ठीक है, वेदर अच्छा है इधर का एकदम, मिस ग्रेट है वेदर, बट यू कैन चेक आउट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर अभी ये इमली का झाड़ है, ये अभी इमली का झाड़ है, सो इस पर फूल आए हुए हैं, सो इस पर आ जाइए थोड़ी देर में, सो आएगी जैसे मैं आपको बताऊँगा, ओके तिल्लन बाय। तो गाइस ये वीडियो जो आपको अगर जो अच्छी लगती है सो इसको भरपूर से भरपूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कर दो यार 1000 सब्सक्राइबर्स भाई के। अभी इधर ही कुछ 15-20 दिन रहूँगा तो यहाँ पर प्लेस एक्सप्लोर कर पाऊँगा, ओके। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड।